गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं क्लास सेवेंथ की सब्जेक्ट मैथ्स और नंबर्स, यानी कि इसका चैप्टर्स का नेम है नंबर्स। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर्स होते क्या हैं और बताऊंगा उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर है, क्लास है हमारा सेवेंथ और सब्जेक्ट मैथ्स। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में आके उस प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। यानी कि कुछ इन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि स्टेटमेंट्स ए, स्टेटमेंट्स बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ई, स्टेटमेंट एफ। यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट्स में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाना है जो इनके आंसर्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट है हमारा, द हाइट ऑफ अ हील। हाइट क्या होती है, यानी कि जो लंबाई होती है हाइट उसको बोलते हैं। ऑफ अ हील, हील मतलब जो पहाड़ होता है उसका, विच इज 600 मीटर अबव। अबव मतलब ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर जाना, 6000 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्री किनारे, समुद्री रास्ते से 6000 मीटर अबव ऊपर की तरफ जा रहा है। जब अबव यहां पर आ गया आपका, क्या आ गया, अबव। जब अबव यहां पर आ गया तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव 6000 मीटर। क्या लगा दिया आपने, पॉजिटिव 6000 मीटर। आ रही बात समझ में? तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है, द हाइट ऑफ अ हील व्हिच इज 6000 मीटर अबव सी लेवल प्लस आंसर जो आएगा हमारा 6000 मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अबव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अबव लगा हुआ है। जब अबव लगा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, चार्ज कौन सा लगा दिया, पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया, ना कि निगेटिव का। आ रही बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे, वॉकिंग टू यार्ड बैकवर्ड। यानी कि वो वॉकिंग करता है और बैकवर्ड हो जाता है माइनस 10 यार्ड। यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 10 यार्ड, यानी कि 10 यार्ड पीछे को आता है। बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स मतलब वापस आ रहा है। जब यहाँ पर बैकवर्ड की बात करेंगे तो वापस आ रहा है, तो यहाँ लगेगा आपका क्या, माइनस। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी, 6 hours आफ्टर द ट्रेन, यानी कि ट्रेन से के बाद 6 घंटे बाद लीव दिस स्टेशन, उसने जो है स्टेशन को लीव करा, लीव मतलब छोड़ा। आ रही बात समझ में? 6 घंटे बाद ट्रेन के उसने स्टेशन को छोड़ा, तो जब यहाँ पर आफ्टर आ गया आपका, आफ्टर मतलब बाद, बात की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, आप पॉजिटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। जैसे कि यहां पर हमने पॉजिटिव लगाया था, यहां पर हमने नेगेटिव लगाया था, अब यहां पर हम आफ्टर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो पॉजिटिव 6 hours इसका आंसर रहेगा। क्या आ जाएगा आंसर, पॉजिटिव 6 hours आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे हम, 7 minutes बिफोर। बिफोर मतलब पहले की बात हो रही है, ब्लास्ट ऑफ अ मिसाइल, एक मिसाइल में 7 मिनट पहले ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, 7 मिनट पहले मिसाइल में ब्लास्ट हो गया। जब पहले की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या आएगा आपका, माइनस का 7 मिनट्स। क्या आ गया आंसर, माइनस का 7 मिनट्स आंसर आ गया आपका। क्लियर एवरीवन, क्या आया, माइनस का 7 मिनट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे हम, तो डी आपके समझ में आ गया कि 7 मिनट्स बिफोर, 7 मिनट पहले ब्लास्ट ऑफ अ मिसाइल, एक मिसाइल में 7 मिनट पहले ब्लास्ट हुआ। तो जब पहले की बात हो रही है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, निगेटिव चार्ज लगाएंगे। ये जो निगेटिव दे रखा है, निगेटिव होता है हमारा माइनस। मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन और कर दूं, प्लस मींस होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव, और माइनस निगेटिव मींस होता है आपका, माइनस क्यों मींस होता है, नेगेटिव। तो ये चार्ज होते हैं, जहां पर प्लस दिखाई दे उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जहां पर हमारा माइनस दिखाई दे उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो हमने पॉजिटिव लगाया इस वाले क्वेश्चन में, नेगेटिव लगाया इसमें, पॉजिटिव यहां पर लगाया, अब इसमें हमने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया। क्यों? क्योंकि पहले की बात कर रहा है, 7 मिनट्स पहले की। अब क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात करते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस अबव। देखो अबव फिर आ गया, यानी कि ऊपर की बात हो रही है, यहां पर अबव हो रहा है। 18 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 18 डिग्री सेल्सियस अबव था। जब अबव था तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 18 डिग्री सेल्सियस आंसर, ठीक है। और अगर इसकी जगह ब्लो होता, BELO ब्लो, जैसे कि यहां दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो माइनस लगाएंगे। मैं आगे बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर एफ,
30 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का 30 डिग्री आंसर आपका यहाँ पर आएगा। आ रही बात समझ में? तो आपका ई हो गया, एफ हो गया। अब मैंने आपको क्या समझा दिया, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। इसमें हमें क्वेश्चन में जिस जगह पर पॉजिटिव है वहां पर पॉजिटिव लगाना था, जिस जगह पर निगेटिव है वहां पर हमने निगेटिव लगाना था। तो मैंने आपको पॉजिटिव का तरीका भी बता दिया, निगेटिव का भी तरीका बता दिया। जहां पर अबव आएगा वहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां पर आपका बिलो आएगा वहां पर आपका निगेटिव हो जाएगा। जहां पर आपका आफ्टर आएगा वहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर आपका बिफोर आएगा वहां पर आपका निगेटिव हो जाएगा, जहां पर आपका बैकवर्ड आएगा वहां पर निगेटिव हो जाएगा, जहां पर आपका फॉरवर्ड आएगा वहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीजें इसकी पहचान होती है, बिलो अबव बैकवर्ड फॉरवर्ड आफ्टर बिफोर, इस तरीके से हम पहचान लगाते हैं कि माइनस कहाँ लगाना है प्लस कहाँ लगाना है। आपको समझ में आ रही बात? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारी उसके बारे में बात करेंगे। हमारे इसमें जो है आपके तीन को चार क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इसमें क्वेश्चन ये होता है जहां पर हमें साइन दिखे पॉजिटिव वहां पर हमें पॉजिटिव हटा देना, जहां हमें निगेटिव दिखे वहां हमें निगेटिव हटा देना। समझ में आ रही बात? साइंस को हटा देना जो साइन होते हैं हमारे, जैसे कि माइनस का 17 है यहाँ पर हमने खाली 17 कर दिया। आ रही बात समझ में? प्लस का 23 है यहाँ पर हमने खाली 23 कर दिया। यहाँ पर हमने पॉजिटिव भी हटा दिया, यहाँ पे हमने निगेटिव भी हटा दिया, यानी कि दोनों साइन हमने यहाँ पर हटा दिए आपके। आ रही बात समझ में? अब बात करेंगे सी वाले की, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा अलग है ये। 17 माइनस 25, 17 में से माइनस 25 आप माइनस करोगे तो माइनस का 8 आएगा। जब माइनस का 8 आएगा तो मैंने बताया था आपको कि साइन कोई सा भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, आपका हमें हटा देना है वो साइन। आ रही बात समझ में? तो हमने वो साइन हटा के आंसर 8 लिख दिया आपका। अब बात करेंगे डी की। डी में इस बॉक्स के बाहर माइनस दे रखा है आपका, तो 19 माइनस का 5, इस 19 में से 5 माइनस करेंगे 14 बचेगा आपका यहाँ पर, माइनस ये आ गया, माइनस का 14 आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया हमारे, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बताए आकर, हमारी वीडियोस को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम स्टे सेफ एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।